ये जो माशाल्लाह इन्होंने कमी दी है ना, वो सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 3 दिन बाद। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम। माजरत के साथ ये आई वॉश है, टू लिटिल टू लेट। मुझसे आप लिखा हुआ ले, 1 अगस्त प्राइसेस ना बढ़ी, मेरा नाम बदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह रही थी कि जिस तरह से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की गई है, तो 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, तो 18 रुपए 50 पैसे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में 40 रुपए कमी कर दी गई है। तो कमी तो कम से कम कर दी गई है, रिलीफ तो मिल ही गया है ना आम आवाम को। शुक्रिया कामरान साहब, पता नहीं किस आवाम को रिलीफ मिला है। वो जो एक वक्त का खाना खा रहे हैं, आप उनसे पूछ लें। बाय द वे, मैं गांव से हूँ, मेरा ताल्लुक है पेशावर के गाँव से, तो माजरत के साथ अब आवाम से पूछे ना, आपको कुछ और कहेंगे। दूसरी बात, ये जो माशाल्लाह इन्होंने कमी दी है ना, वो सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है 3 दिन बाद। तीसरी बात, मरियम नवाज साहिबा ने खान साहब के पीछे पड़ी में 2 दिनों से बगैर उनका नाम लिए, विच इज़ वेरी डिसइंजेनुअस की कहती मैं उसका नाम नहीं लूंगी, बट सिर्फ उन्हीं की बातें कर रही होती अभी भी। एंड दिस इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल टॉकिंग, मुजरिमा है ये। ना ये इनकी गवर्नमेंट में कोई पोजीशन है, सिर्फ ये पोजीशन है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और करंट प्राइम मिनिस्टर की नीस है। उन्होंने कहा कि जो 100 यूनिट हमने पंजाब के लिए कम किए थे, शर्म आनी चाहिए ये सूबाई तासुब लाने के लिए। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब है या पंजाब की ज़मीनी इलेक्शन है, तो उधर आपने 100 यूनिट कम किए, सारे पाकिस्तान में क्यों नहीं किए? इस खान साहब जिन पर लोग हंसे थे 3.5 साल महंगाई मकाम आज का ड्रामा किया, 5 रुपये फी यूनिट सारे पाकिस्तान को मिल रहा था जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे थे। माजरत के साथ ये आई वॉश है, टू लिटिल टू लेट। मुझसे आप लिखा वाले ले, 1 अगस्त प्राइसेस ना बढ़ी, मेरा नाम बदल। रिजवाना साहब, आप समझते हैं कि फिर प्राइस डिक्रीज किया गया है, क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत से अगर मवाजना किया जाए अभी की कीमत का, तो 18 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप क्या समझते हैं कि ज्यादा प्राइस में डिक्रीज नहीं करना चाहिए था? और जिस तरह के शानदाना साहिबा कह रही हैं कि ये सिर्फ जिमनी इंतखाब के लिए आई वॉश है, क्या आप इस चीज की गारंटी देंगे कि अगर क्रूड प्राइस की कीमतों में इजाफा नहीं होता है, तो IMF के दबाव में आप दोबारा से पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं करेंगे? देखें जी, लेट्स हैव अ रियलिस्टिक व्यू। हमारा जो नजरिया है, जो हमारी सोच है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, उसमें सियासत का अमल दखल कम होना चाहिए। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अब कंपैरेटिव रेट की कमी जो है, ये कहा जा रहा है, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें इतनी कम होगी और पाकिस्तान में इतनी कम कमी जो है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। कंपैरेटिवली उन्होंने देखा हुकूमत ने, और ये बताएं अगर ये कमी ना होती, फिर बताएं तो फिर क्या उस वक्त लोगों की फीलिंग होती? अच्छा, आप रिजवाना साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर जिमनी इंतखाब ना होते, IMF का जो दबाव इस वक्त मौजूद है वो उसी तरह बरकरार होता, सिर्फ जिमनी इंतखाब ना होते, आप ये समझते हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब ये 18.5 रुपए पेट्रोल की कीमत में और 40 रुपए डीजल की कीमत में जो कमी की गई है, फिर भी ये कमी होती? कामरान साहब, मैं भी अपने दिल पे हाथ रखता हूँ, आप भी अपना दिल संभाल के बैठे, मेरी बात जरा गौर से सुने। बात यह है कि ज़िमनी इंतखाब तो कब से हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब में दिन ही 2-3 रह गए हैं, तो अब तेल की कीमतें ज़िमनी इंतखाब आज घटाई हैं, जब बढ़ाई थी उस वक्त हमें नहीं पता था ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, हमने उस वक्त सियासत को नहीं बचाया, उस वक्त हमने रियासत को बचाया है, वरना ज़िमनी इंतखाब को देखते तो उस वक्त हम कीमतें ना बढ़ाते, फिर वही असर करते जो खान साहब कर गए थे के अनफंडेड सब्सिडी दे के और तेल की कीमतें कम कर गए। मेरी एक नेचर है, मैं कुछ ज़्यादा तनकीद वाली साइड पे नहीं जाता। आपने इस तेल के बारे में पूछा और मैंने बड़ी फ्रेंक सी आपको बात की है, मैं समझता हूँ ये एक रिलीफ है। अगर इसको भी अगर आप रिलीफ नहीं समझते, तो जाए पेट्रोल पंप पे लोगों से पूछे, जो 18 रुपये कम पेट्रोल हुआ और 40 रुपये डीजल कम हुआ, उनके तासुरात लें। यहाँ बैठ कर मैं भी बड़े मज़े से बात कर सकता हूँ एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, क्योंकि मैं अल्लाह का फजल है हर रेट पर शायद अफोर्ड कर सकूँ, और भी लोग कर सकें। उन लोगों से पूछे जिन्हें रिलीफ मिला है। हर चीज़ को सियासत की नज़र मत करें, वी हैव टू सर्व द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी। कोई PML है ना, PTI है, कोई
JUI है, पीपल्स पार्टी है, लोगों की खिदमत करनी है तो दिल पर हाथ रख के हर आदमी खिदमत करे। एतराज करने के लिए तो बड़े एतराज हैं, उसमें जनरल भी होते हैं, उसमें आगे जब असल मकसद ये है कि आए जब ज़मीनी इंतखाब खत्म हो जाएंगे और यकुम अगले महीने की आएगी तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो मजीद कम हो जाएंगी या फिर एटलीस्ट बरकरार रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।